यात्रा का 35वां दिन राहुल गांधी अपने तमाम समर्थकों के साथ साथियों के साथ गुजर रहे हैं और यात्रा का 35वां दिन देखिए किस तरह से लोग हनुमान जी का रूप धारण करके राहुल जी के यात्रा में शामिल है। इस सामान्य होटल में राहुल गांधी ने आज ब्रेकफास्ट किया है और लोगों के साथ तस्वीरें साझा की है। राहुल गांधी कैसे लगते हैं आप? हमको ठीक लगते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि राहुल गांधी बहुत 5-स्टार आदमी है, VIP। नहीं, बहुत अच्छा आदमी है। छोटे से होटल में खाना खाए, क्या कभी लगता था कि राहुल जी आएंगे और इस रास्ते के एक होटल पे खाना खाएंगे? अपने दिमाग में वो आया भी नहीं, ये छोटे से होटल में खाएंगे। वो खुद लेके भजी खाया, मेरे को आंख में पानी आ गया देख के कि द लाइफ टीवी सच सबसे आगे। आदाब, मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द लाइफ टीवी पर। यात्रा का 35वां दिन राहुल गांधी अपने तमाम समर्थकों के साथ साथियों के साथ गुजर रहे हैं। यात्रा का ये 35वां दिन है। शिलेखेरे इलाके से ये काफिला आगे बढ़ते हुए हीरे हल्ली के तरफ जाएगी और तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं कि सामने राहुल गांधी के साथ ये जन सैलाब चल रहा है। उस तरफ जो है एक ऊंची सड़क है, ऊपर खाबड़, यहाँ पर भी लोग जा रहे हैं और लगातार लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से दाएं बाएं जो है एक रिमोट एरिया है मगर उसके बावजूद चल रही है। राहुल गांधी का काफिला आगे जा रहा है। शिलेखेरे इलाका है जो हीरे हल्ली की तरफ जाता है। आज का काफिला वहीं से शुरू हुआ है। ये पीछे की तरफ ये रास्ता देख रहे हैं, जो लोग जन सैलाब आ रहा है, ये जो है ये रास्ता मैसूरु की तरफ जाता है और ये सामने वाले जो है राहुल गांधी के साथ जो काफिला चल रहा है वो बेलारी की तरफ जाता है। ये रास्ते आप देख सकते हैं कि किस तरह से ज़मीनी है और यहाँ पर उसके बावजूद किस तरह से लोगों का भीड़ है। सुबह के वक्त है और लगातार ये यात्राएं चल रही है। बच्चे वगैरह सब लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। किस तरह का भीड़ है ये देख रहे हैं कि लगातार हर तरफ जहाँ तक जा रहे हैं कि लोग नज़र आते आ रहे हैं। और ये तस्वीरें जो है हीरे हल्ली नामी इलाका है, यहाँ पर यात्रा शुरू हुई 35वें दिन के लिए। 800 किलोमीटर तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं। ये रास्ता सीधा अब जो है मैसूर की तरफ और सामने राहुल गांधी का काफिला चल रहा है जो बेलारी की तरफ जाता है। ये तमाम तस्वीरें आज जो है देख सकते हैं कि आज यात्रा की 35वें दिन की है। लगातार इस यात्रा में जो लोग हैं वो जुड़ते जा रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर एक एम्बुलेंस भी है जिसको ये कोशिश दी जा रही है कि जगह पार की जाए, जगह वो जा सके। देख सकते हैं कि लोग दोनों तरफ से आ रहे हैं। ये तमाम तरह की तस्वीरें आप देख सकते हैं। राहुल गांधी किस तरह से एक सामान्य जगह पर रुककर सामान्य दुकान में जाकर ब्रेकफास्ट करने का इंतज़ाम कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह से राहुल गांधी के तमाम लोग यहाँ पर बैठकर एक सामान्य होटल में जाकर ब्रेकफास्ट करने कर रहे हैं। राहुल गांधी यात्रा में है, भारत जोड़ो यात्रा का 35वां दिन है और लगातार अलग अलग जगहों पर राहुल गांधी जहाँ पर रुकते हैं, जहाँ पर उन्हें ब्रेकफास्ट महसूस होता है वहाँ पर वो जाकर अकेले जाकर या अपने साथियों के साथ जाकर आसानी के साथ जो एक छोटे दुकान में जाकर ब्रेकफास्ट करते हैं। और सबसे अहम चीज़ ये है कि आज जो है यात्रा का 35वां दिन है। चिलेखेरे नामी इलाके से चल कर ये यात्रा निकल रही है। चित्रदुर्गा का इलाका है, एक तरफ मैसूर को जोड़ता है ये शहर तो दूसरी तरफ बेलारी जोड़ता है। और लगातार ये तमाम तरह की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी के तमाम समर्थकों के साथ बाहर में जो है लोग खड़े हैं और लगातार जो है लोग यहां पर जुड़ते जा रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा 35वें दिन के लिए है और यहाँ पर जो है जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है लगातार जो है लोग इस सुबह की यात्रा में शामिल हो रहे हैं। 6 बजे ये यात्रा जो है निकला है और निकलने के बाद लगातार ये यात्रा बढ़ता जा रहा है। ब्रेकफास्ट के लिए राहुल गांधी रुके हैं और शिलखेरे का इलाका है और जो आगे चलकर हीरे हल्ली नामी जगह से जाकर जुड़ेगा और ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। 35वां दिन देखिए किस तरह से लोग हनुमान जी का रूप धारण करके राहुल जी के यात्रा में शामिल है। ये देखिए हनुमान जी का रूप धारण करके राहुल जी की यात्रा में शामिल है और यहाँ पर जो है लगातार जो है यहाँ पर एक राम जी का रूप धारण करके इस यात्रा में शामिल है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये यात्रा में शामिल है और लगातार राहुल गांधी के 35वें यात्रा में शामिल होकर राहुल गांधी के साथ जो है खड़े होने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी का 35वां दिन का यात्रा शुरू हो चुका है। लगातार राहुल गांधी यात्रा की तरफ बढ़ रहे हैं।
शिले खेरे से ये यात्रा हीरे हल्ली की तरफ जाता है और ये पीछे की तरफ देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ये यात्रा एक तरफ बेलारी रोड की तरफ तो दूसरा ये इस तरफ जो है हाईवे पकड़ेंगे तो बेंगलोर की तरफ जाता है। ये एक सामान्य होटल है, ये सामान्य होटल में राहुल गांधी ने आज ब्रेकफास्ट किया है और लोगों के साथ तस्वीरें साझा की है, तस्वीरें क्लिक की है और देखिए यहाँ पर क्या कुछ मिलता है। इडली सांभर मिर्ची यानी कि यही चीज़ें यहाँ पर मिलती है और यही चीज़ राहुल गांधी खाए हैं। ये देखिए कि प्लेट में इडली सांभर और मिर्ची है और यही जो है कर्नाटका में लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। अब आइए जिन लोगों ने राहुल गांधी के साथ फोटो शेयर किया उनका क्या कुछ रहा है एक्सपीरियंस और क्या है, क्या नाम आपका? शिव कुमार सर। शिव कुमार कहाँ यहीं के रहने वाले हैं या बाहर? चलखेरे के रहने वाले। कितनी उम्र है आपकी? तो आज राहुल गांधी आए थे आपके यहाँ, क्या खाना खाए? राहुल गांधी क्या खाए? इडली इडली मिर्ची पूरी पुलाव। अच्छा पुलाव सारी चीज खाए। तो ये बताइए कि राहुल गांधी ने क्या कहा आप लोग? राहुल गांधी ने आपके खाने की तारीफ की। राहुल गांधी कैसे लगते हैं आप? चना गित। एक और साथी है जो ब्रदर एक और साथी है। अरे नहीं एक मिनट, क्या नाम है? मंजुनाथा। तो कितने दिनों से ये दुकान चला? हत वर्ष मारते थे। तो आज राहुल गांधी आपके सामने आए, क्या कुछ खाया आपने और क्या बातचीत हुई? तो राहुल गांधी यहाँ पर आए थे, यहाँ पर लोगों से साथ खाना खाया, बातचीत किया। यहाँ पर राहुल गांधी आए थे तो इन लोगों के साथ, ये कितना पुराना होटल है क्योंकि ये गाड़ी में बना हुआ होटल है, तो कितने दिन पुराना से चल रहा है? 5 साल से भी चल रहा हूँ। 5 साल से ओके। तो राहुल गांधी यहाँ पर खाना खाए आए तो इन लोगों के मन में क्या कुछ खुशी है? आप लोग देखा तो क्या लग रहा था? बिल्कुल पसंद पकड़ा वो। अच्छा, आप कहाँ से आए? हमें ये गाँव वाले रहे, गाँव वाले। तो क्या लगता है कि आप लोगों को किसने बुलाया था और क्यों आए हैं? नहीं, वो फंक्शन है बोले, आ गया हमें। हाँ, वो देखने के वास्ते राहुल गांधी की वजह से आए या कोई बुलाया तो? नहीं, कोई भी बुलाया नहीं, हमें उसको देखो आ गए, देखने को आए। राहुल गांधी कैसे लगते हैं आप? हमको ठीक लगते हैं। हाँ ओके। अच्छे लगते हैं कि नहीं? नहीं, हमारे राहुल गांधी ठीक लगते हैं। राहुल गांधी यहाँ क्या क्या खाना खाए? यहाँ कैमरा चला, आप लोग एकदम आदमी नहीं। हाँ, अब ये पूरी भी खाए, चित्रन्ना खाए, अब पुलाव भी था। हाँ, मिर्ची भी था। हाँ, सब ही छोटा। क्या खाया राहुल? अच्छा है कहते। अच्छा किया। आपको कैसा लगा राहुल जी आज एक छोटे से होटल पे खाना खाए? छोटे होटल में खाने को आप गया होने मेस्टर। अच्छा यार कहते, अच्छा कर, गरीब का होटल ना वो, उसमें खाना खाया वो अच्छा लगा राहुल गांधी। अच्छा, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि राहुल गांधी बहुत 5 स्टार आदमी है, VIP। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा लगा। अब हम ना अच्छा लगा। तो ये देखिए कि यहाँ पर एक छोटा सा होटल है और ये होटल जो है एक रास्ते पर बना हुआ है, गाड़ी में बना हुआ है। ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से इस होटल में कामकाज होता है और ये होटल गाड़ी में बना हुआ है और गाड़ी में बनने के बाद ये छोटे बच्चे, यहाँ पर एक महिला जो है इस होटल को चलाती है और आज इनके लिए बड़ा अच्छा लम्हा रहा क्योंकि राहुल गांधी इनके साथ मुलाकात की है। राहुल गांधी बात की, हिंदी बोलते हैं? अच्छा, तो ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है आपका? चन्ना है। क्या नाम है? चन्ना है। चन्ना है। कहाँ से आए आप? इधर है। इधर ही क्या है? इधर। तो आप लोग को कब पता चला कि राहुल गांधी आने वाले हैं? राहुल गांधी अच्छा है ने? अच्छा आदमी। तो यहाँ पर आज होटल में खाना खाया तो कैसा लगा आप? तो पूरी इडली थोड़ा खाना था। ठीक है। तो ये राहुल गांधी का आज का ब्रेकफास्ट का ये स्पॉट है, राहुल गांधी ने यही। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सैयद बुड़न है। अच्छा, कहाँ से आप आए हैं? चिपलापुर चिंतामणि से आया हूँ। अच्छा, तो राहुल गांधी आज इस रास्ते से गुजर रहे थे, शिलखेरे का है और हीरा हिल्ली का इलाका है। तो क्या राहुल गांधी इस होटल से खा के क्या गरीबों की परेशानी को समझ रहे हैं? इधर आए हैं तो गरीबों की परेशानी मालूम करने के लिए ही आए हैं ना इधर। अच्छा, गरीब कैसा क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, ये मालूम करने के लिए आए हैं ना। क्या खाया राहुल जी ने आज यहां? राहुल जी ने बज्जी खाया, वड़ा खाया और इडली खाई। अच्छा। और वो जो इधर ओनर है ना इस घर के, उनको पूछा क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम्हारे को इधर प्रॉब्लम है, बोल के पूछा, सब पूछे इधर। कहाँ से आप आए हैं?
चिंतामणि से आया हूँ सर। कितना दूर है चिंतामणि यहाँ से? इधर 300 किलोमीटर है सर। 300 किलोमीटर से आप राहुल जी के लिए आए हैं या कोई पैसा दिया है आपको? नहीं सर, खुद मैं अपने अभी जो भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी ने कर रहे हैं ना, वो यात्रा कामयाबी करने के लिए हम सब युवक आए हैं। मेरा भाई भी आया है, ये गौरी बिदनूर का है ये। अच्छा, हम सब बहुत से लोग। किलोमीटर से आने में कितना समय लग रहा है आपको? सब 300 किलोमीटर नहीं, हम सीधा इधर गुंडलपेटे गए। गुंडलपेटे से साथ में ही आ रहे हैं, राहुल जी के साथ ही चल रहे हैं। पाजा छोटे से होटल में खाना खाए, क्या कभी लगता था कि राहुल जी आएंगे और इस रास्ते के एक होटल पे खाना खाएंगे? नहीं सर, हम सोचे भी नहीं थे, अपने दिमाग में वो आया भी नहीं, ये छोटे से होटल में खाएंगे। हाँ। वो खुद लेके बजी खाया, मेरे को आंख में पानी आ गया देख के कि क्यों सर, क्यों आंख में पानी आ गया? ये इतना बड़ा आदमी इधर जो बजी लेके खा रहा है। हाँ। जो कॉमन पीपल भी बजी लेके खाने के लिए सोचता है क्या है बोल के, इसलिए। अच्छा, बात बताइए, कर्नाटक के लोग इतने सड़क पे है, कितना पैसा बांटा है कांग्रेस ने? पैसा नहीं सर, ये सब जोश में आए हैं, मोहब्बत में आए सर। क्या नाम है? विजदान सैयद। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि आज राहुल जी छोटे से होटल पे खाना खाए तो यहाँ पर जो लोग थे तो उन लोगों के मन में खुशी की लहर तो रही होगी, तो क्या राहुल जी गरीब से रिलेट कर रहे हैं आप? हाँ, वो गरीबों के साथ वो उनका प्यार है, वो गरीबों के साथ उनका प्यार है, बर्ताव है। अच्छा, तो आप लोग कितने करीब से आज राहुल जी को देखे? आज बहुत करीब से देखा है, अभी हाथ मिला के आए हैं। हाथ मिला के? तो क्या पूछा आपसे, कुछ बात हुई? हाँ, क्या पूछा? अभी वो खैरियत पूछे। खैरियत पूछे तो क्या, आपने क्या खैरियत बताई? मैं आप ठीक हैं तो हम ठीक हैं। अच्छा, तो कहाँ से आप आए? मैं गौरी बिदनौर तालुक। चिपलापुर जिले के। कितना दूर है यहाँ से, ये जो इलाका है शेरेखाली का, ये कहाँ से कितना दूर है? ये 180 किलोमीटर है इधर। 180 किलोमीटर, तो कितना समय लगा आने में? आने में 8 घंटे लगा। 8 घंटे लगा, तो राहुल गांधी से सिर्फ हाथ मिलाने के लिए 8 घंटे से आप चल रहे हैं? हाँ। तो क्या लगता है कि राहुल जी अगर बदलाव कर रहे हैं तो आप जैसे जो युवा जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं उनका रोजगार का मसला दूर हो जाएगा? हाँ, वो हो जाएगा। अच्छा, वो इसीलिए चल रहे हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करना चाहते हैं, वो इलिटरेसी ख़त्म करना चाहते हैं, वो पीस लाना चाहते हैं, इसीलिए चल रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजुला है। आप ये बताइए कि राहुल जी आज यहाँ पर कितने समय रुके? यहाँ 20-30 मिनट बैठ के इधर और वो नाश्ता खा के अभी इधर से निकल गए। आज ये बड़ा सामान्य होटल है, आमतौर पे मिडिल क्लास के लोग यहाँ खाते हैं, राहुल जी बड़े घर के हैं, तो क्या लगता है कि इन सब चीज़ों से राहुल जी ने कितना आज के इस समाज में जिस तरह से गरीबी बढ़ रही है उसको कितना रिलेट किया? देखिए, आगे अभी हम इतना प्राइस बढ़ गया है सबको पता है, और इडली खाने में भी GST लगाया है BJP सरकार ने, और एक होटल पे गए तो GST देखे ही हमको खाना पड़ता है। अगर स्ट्रीट में हम जाके स्ट्रीट में जो भी फूड रखते हैं ना लोग, मोबाइल फूड का, वहाँ पर GST नहीं रहता है, मगर उन लोगों को GST का प्रॉब्लम है नहीं करके नहीं, हम लोग जो खाते हैं ना GST नहीं रहता, इसलिए हम स्ट्रीट फूड पसंद करते हैं खाते हैं। आज राहुल गांधी जी ने इडली बोलते हैं ना, ये साउथ इंडिया में फेमस फूड है और हेल्दी फूड है, तो वो खा के आज इडली का अभी ज़्यादा उसको एक मान्यता मिल गया। राहुल जी ने इडली खाया तो मान्यता मिल गया। जरूर सर, देखिए अभी आज प्राइम मिनिस्टर क्या खा रहे हैं, 50,000-30,000 की मशरूम खा रहे हैं, ये आम आदमी के साथ मिलके इडली खाने का ये जो मैसेज है, हम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और इस यात्रा गरीब के साथ है और आम आदमी के साथ है। तो राहुल जी को लगता कितना कमा लेते ये होटल वाले? देखिए सर, ऐसा एक फूड स्ट्रीट में जो भी रोड पे रखे जो कमाते हैं ना, शायद एक 800-900 रुपए कमा सकते हैं सुबह से शाम तक, अगर वो ज़्यादा मेहनत से अगर उसको बिजनेस हुआ तो, नहीं तो नहीं, इतना तकलीफ क्योंकि लोग आज खाएंगे यहाँ पर। नहीं, ये लोग नहीं खाए तो भी वो लोग कमाएंगे 800-900, आपका वही अकाउंट देती हूँ। अगर ये 4,000-5,000 एक छोटा घर में रहा तो भी घर का भाड़ा देना है, इलेक्ट्रिसिटी बनना है और बच्चे लोग रहते हैं, इसमें नहीं बढ़ता है। आज एक आम आदमी का 1,000 रुपये रहा तो भी मुश्किल है आजकल। क्या लग रहा है कि आज राहुल जी यहाँ पर मौजूद थे, खाना वाना खाए तो चीज़ें आप बदल रही हैं? देखिए, ये जो यात्रा है ना, हम लोग भगवान देखने के लिए और पुण्य स्थल जाते हैं यात्रा के लिए, क्योंकि हमारा जो भी पाप जो भी है नाश होना है, कम होना है, और जो भी हम गलत करते हैं उसको माफ़ करो करके भगवान के पास जाते हैं। आज इस देश में जो भी लोग हैं ना, हम गलत किए हैं
बीजेपी पार्टी को वोट करके सपोर्ट करके, लोगों को पता है बीजेपी वाले के भी यही इरादा है, हम लोग वोट करके गलत किया करके, तो इस यात्रा में यही चल रहा है, शांति और महिला सबलीकरण हो रहा है और युवाओं को काम मिलना चाहिए और प्राइज राइज है ना सब, और पार्टी जो भी है, जो भी पार्टी आते हैं सत्ते पे और लोगों के लिए काम करना है, बस दो लोगों के लिए नहीं। तो आज जो है राहुल गांधी यहाँ पर आए थे, सुबह का ब्रेकफास्ट यहीं पर किया। ये जगह आप देख रहे हैं कि ये असामान्य सा घर है, सामान्य सा जगह है, और यहाँ पर जो है राहुल गांधी ने बैठकर जो साउथ इंडियन फूड, जो हमारे दक्षिण भारत का जो अच्छा फूड है, इडली डोसा सांभर मिर्ची जो कुछ भी है वो खाया। और ये होटल का कंडीशन आपको दिखा रहे हैं कि ये होटल के कंडीशन में क्या, ये यहाँ पर जो है ये देख सकते हैं कि एक छोटा सा होटल है, रास्ते पर मौजूद है, शायद रोज़ का अगर बहुत अच्छा बिजनेस हुआ तो 700-800 रुपये रोज़ कमाते होंगे, और आज के रेट में जब पेट्रोल 150-110 रुपये बिक रहा हो, महंगाई बहुत ज़्यादा है, फॉर्चून के दाम ज़्यादा है, तो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक गाड़ी है, उस गाड़ी को कट करके पूरा ये होटल बनाया गया है, और यहाँ पर इडली सांभर वगैरह जो कुछ भी है बेचा जा रहा है। तो राहुल गांधी यात्रा में चल रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सड़कों पर जहाँ भी नज़र आ रहे हैं लोगों से जुड़ते जा रहे हैं। तो ये तमाम तरह की अपडेटें हम आपको द लाइव टीवी के माध्यम से दे रहे थे, और तमाम तरह की अपडेटें और आपको देते रहेंगे। रजा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।